कबाब और विंग्स रेडी हो चुके हैं। एंड दिस इज द ज़ाफ़रान ओह, दिस इज अ ज़ाफ़रान। यस ओए होए होए गाइस, एक सिप लेके ये फीलिंग आई है कि मैं पेशावर चला गया हूँ और मैं कावा टेस्ट कर रहा हूँ वहां से। अब ट्राई करते हैं दूसरा सिप, वो कहाँ लेके जाता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बी एन व्लॉग्स। गाइस, आज के व्लॉग का सीन ये है कि मैं देसी फूड खा खा के काफ़ी थक चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पर्शियन कुजीन ट्राई करूँ। तो गाइस, वाटरलू में कबू प्लेस एक फेमस रेस्टोरेंट है, चलते हैं और ट्राई करते हैं वहाँ से पर्शियन फूड। तो गाइस, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग जल्दी से। तो गाइस, चलते हैं कबू प्लेस के अंदर जो कि पर्शियन कुजीन है। हेलो, हाउ आर यू? हेलो अंकल, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो टेल अस बेसिकली व्हाट स्टूडेंट ईट्स मोर इन वाटरलू एंड व्हाट आर द पॉपुलर थिंग्स इन योर रेस्टोरेंट एंड व्हिच थिंग्स आर मोस्ट फेमस। For sure, our most popular dish is number two, that would be the kebab, the twister of Gurandi, come with rice. So And the kobida kabub is most popular. The dish, and you come with rice, and you have two options. You can choose salad on the side or fries on the side. And also, we have one more popular dish is number seven, sultani kebab. So the sultani kabub is also most popular here. One is tour of Gurandi, and one is tour of the meal tender rice. And also come with rice, and you have two options. You can choose salad or fries. At the end of the food, we serve our customer tea. What about the wings? The wings I have been looking at wings. Yeah, they are looking so delicious. Yeah, it's most popular dish and wings too, because some people want it. तो गाइस, चलते हैं इनके किचन के अंदर। सलाम वालेकुम। आई एम गुड एंड यू? तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रिल में इन्होंने टोमेटोज रखे हुए और चिली रखी हुई है इस टाइम। व्हाट्स दैट ब्रो? दैट बॉयल वाटर फॉर हॉट टी। और इट्स अ बॉयल वाटर फॉर द हॉट टी। सो ब्रो, यू गोना डू वन कोबिदा कबाब एंड वन चिकन विंग्स फॉर मी। सो गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इन्होंने कबाब रखे हुए हैं, कोबिदा कबाब। एंड व्हाट्स दैट? दैट वन इज द बर्क कबाब। ओह, सो डू वन प्लेट फॉर मी कोबिदा कबाब एंड द चिकन विंग्स आल्सो, राइट? या एंड द चिकन विंग्स। सो गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्होंने ऑलरेडी सीख पे लगाए हुए चिकन विंग्स। सो व्हाट काइंड ऑफ स्पाइसेस यू आर यूजिंग इन द चिकन विंग्स मैरिनेशन? There is olive oil, plain yogurt, black pepper, also the paprika, salt, and that's it, and some garlic. So after marination, yes, these wings, how long are you gonna put in the fridge? For 12 hours. For 12 hours? Yeah, the kebab is right away, we serve. Okay, so there is no wait for kobida kebab. There's no wait for kobida kebab. For burnt kebab, 5 hours. For the kobida is right away. Oh, the kobida is right away. Yeah. And what's that in the bottom? That's the chicken leg. Chicken oh, leg. Brother, let's do hurry. I'm so hungry. No problem. So first of all, we're gonna put on the grill the chicken. Okay. Yeah. It's gonna take 10 to 15 minutes. Okay, 10 to 15 minutes. Kobida is 5-6 minutes. Oh, 5 to 6 minutes. Yes. And brother, let me tell you one thing, okay? I'm gonna taste your famous tea today. तो गाइज, अब बारी आती है कोबिदा कबूब की। ओए होए होए। तो गाइज, अब ये रेडी करने लगे हैं हमारे कबाब। तो गाइज, थोड़ी बहुत गर्म हो रही है रोटी और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कबाब और विंग्स रेडी हो चुके हैं। और जो इस टाइम खुशबू आ रही है गाइस, वो बहुत जबरदस्त आ रही है। तो गाइस, अब बारी आती है राइस की। इन्होंने एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ है राइस का। सो दीज राइस, व्हाट काइंड ऑफ राइस दीज आर?
are basmati. Oh, they are basmati rice. Yes, so wings you are also giving with rice? Yes. Okay, perfect. And this is the saffron. Oh, this is a saffron. Yes. MashaAllah. Some tomatoes, chili. तो गाइस फाइनली मेरा ऑर्डर आ चुका है और अब हमेशा की तरह ऐसा फूड देखकर मेरे से कहां सबर होगा। तो गाइस कोबीदा कबूब कितने जबरदस्त तरीके से ग्रिल हुए हैं और इधर आते हैं चिकन विंग्स। गाइस पर्शियन टी जो कि मोस्ट पॉपुलर है यहां पर, उसको ट्राई किए बगैर मैं व्लॉग कैसे कंप्लीट कर सकता हूं। तो गाइस सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कोबीदा कबूब से और आपको बताता हूं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस हुए 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 गाइस ये बहुत जूसी कबाब है और जो फ्लेवर आ रहा है ना गाइस वो थोड़ा हटके आ रहा है। मैं कहता हूँ मजा आ गया है गाइस। अब मैं ट्राई करता हूँ कबाब और टमाटर भी लगा के ट्राई करता हूँ। क्या बात है, बहुत आला। तो गाइस अब बारी आती है राइस की। तो ये जो राइस है इसके ऊपर इन्होंने जाफरानी राइस डाले हुए हैं, व्हाइट राइस के ऊपर जाफरानी राइस डाले हुए हैं। अब चेक करते हैं कबाब के साथ इसका टेस्ट कैसा आता है। गाइस जो टेस्ट आ रहा है बहुत लाजवाब आ रहा है। यूजुअली मैं चिली ट्राई नहीं करता लेकिन आज चिली जिस तरह ग्रिल हुई है मेरे से रुका नहीं जा रहा और मैं इसको ट्राई करता हूं देसियों के तरीके से। गाइस बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रिल हुई है और इसका टेस्ट मजा आ गया। क्या बात है, कबाब से मेरे से बिल्कुल हाथ नहीं रोका जा रहा। मैंने काफी अरसे बाद कनाडा में कबाब ऐसे खाए हैं। ट्राई करते हैं इनका सैलड। क्या बात है। तो गाइस सुमक इनकी मोस्ट पॉपुलर स्पाइस है जिसको डालने के बाद टेस्ट थोड़ा हटकर आता है। ट्राई करता हूं सुमक के साथ। होए होए होए। अब चलते हैं विंग्स की तरफ। तो गाइस ये है विंग्स। गाइस विंग्स का टेस्ट भी इनका अच्छा है। तो गाइस जो इन्होंने विंग्स की मैरिनेशन की हुई है ना गाइस वो बहुत जबरदस्त की हुई है। एक जूसी जैसे होता है ना विंग्स, बंदा खाए यार जूसी विंग्स है यार दोबारा ऑर्डर करो, वो वाली फीलिंग आ रही है। और मसाले इन्होंने कोई ज्यादा तेज नहीं डाले हुए लेकिन जो मसालों का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है ना वो बहुत आला बनाया हुआ है।
अब विंग्स को ट्राई करते हैं टोमेटो के साथ और देखते हैं क्या टेस्ट आता है। गाइस, जो सबसे कमाल की चीज है ना, ग्रिल होने के बाद टोमेटोस का, चिली का जो टेस्ट आ रहा ना, वो बहुत ही लेवल का टेस्ट आ रहा है। तो बंदा कहता है यार खाई जाए रुके ना बंदा। तो गाइस, सारी चीजें मैंने चेक कर ली हैं, चाय तो अभी रहती है, लेकिन ये जो रोटी पड़ी हुई है ना गाइस, इसके साथ ही मैं एक दफा कबाब ट्राई करना चाहता हूँ कि कैसा टेस्ट आता है। ये देखे गाइस, कितनी जबरदस्त तरीके से इन्होंने रोटी को रेडी किया है। ऐसे खमीरी रोटी नहीं होती पाकिस्तान में, वैसी फीलिंग आ रही है, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया। तो गाइस, रोटी को मैं ट्राई करूंगा कबाब के साथ, साथ थोड़ा सा मैं लगाऊंगा सैलड और बनाऊंगा बाइट। मैं कहता हूँ क्या बात है गाइस, रोटी के साथ भी कबाबों का टेस्ट बहुत आला आ रहा है। तो गाइस, लास्ट में बारी आती है टी की, पर्शियन टी की। ट्राई करते हैं इसको और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। ये जो आपको क्यूब्स नजर आ रहे हैं गाइस, ये चीनी है बेसिकली। अब मैं डालता हूँ इसको टी में, मैं एक ही डालूंगा, मैं चीनी थोड़ी सी अवॉइड कर रहा हूँ आजकल। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब चेक करते हैं कि इसका जायका कैसा है गाइस। ओए होए होए गाइस, एक सिप लेके ये फीलिंग आई है कि मैं पेशावर चला गया हूँ और मैं कावा टेस्ट कर रहा हूँ वहां से। अब ट्राई करते हैं दूसरा सिप, वो कहाँ लेके जाता है मुझे। और दूसरे सिप से ये लग रहा है कि मैं ईरान पहुंच गया हूँ गाइस। तो गाइस, मेरा अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले व्लॉग में।